हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करेंगे फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर या फिर फ्रिक्शन फैक्टर जिसको बोलते हैं वो, और इफेक्ट ऑफ रफनेस। इफेक्ट ऑफ रफनेस में एक टर्म आता है हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे एकदम बेसिक चीज़ें एकदम नॉर्मल भाषा में, या फिर क्या होता है इफेक्ट ऑफ रफनेस या फिर हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। ये जो इफेक्ट ऑफ रफनेस है, ये फ्लो को कैसे चेंज करवा देता है या फ्लो पैटर्न में क्या दिक्कत लाता है, हम लोग ये समझेंगे, ठीक है। तो पहला है फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए चाहे फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए, एक ही चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए चाहे फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर बोलिए, और इसे हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं। तो हम लोग समझते हैं, पहले डेफिनेशन से आएंगे क्या कि डेफिनेशन क्या कहता है, ठीक है। डिफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, तो पहला तो इसमें कुछ टर्म आता है जो समझना होता है। इट इज यूज्ड इन टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। पहला तो यही समझना है कि फ्रिक्शन फैक्टर हमेशा टर्बुलेंट फ्लो में हम लोग यूज करते हैं, लेमिनार में लगभग नाव के बराबर यूज करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी हेड एंड डेंसिटी, ठीक है। तो एक इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, एक इक्वल लिखा जाता है टाउ इक्वल टू रो इनटू बी स्क्वायर बटा टू, या फिर आप ऐसे लिखिए टू टाउ बटा बी स्क्वायर। तो आपका ये आ गया फ्रिक्शन फैक्टर, और फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एफ इज ए डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इसका डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा यूजफुल है, हम लोग टर्बुलेंट फ्लो यूज़ करते हैं फ्रिक्शन फैक्टर। ये तो अब बात कर रहा है कि दो चीज़ का रेशियो है, शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो हम लोग ऐसे तो ये तो डिफिनेशन हो गया, हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन फैक्टर आखिर है क्या। ये दूसरे डिफिनेशन की बात कर दिए, देखिए दो टर्म आया था, पहला एक आया था शियर स्ट्रेस, ठीक है, और दूसरा आया था वेलोसिटी हेड, ठीक। एक पाइप है इसमें फ्लो कर रहा है, वो आपको पता है कि शियर स्ट्रेस क्या होता है। शियर स्ट्रेस ये फ्लो ऐसे कर रहा है इधर इधर इसके वाल पे, ठीक है, वाल इधर फ्लो कर रहा है, इसके अपोजिट साइड में शियर स्ट्रेस लगता है। तो ये मतलब फ्लो को रोकना चाहता है, तो ज्यादा कब लगेगा, ये कब रोकेगा जब ज्यादा रफ रहेगा, और या फिर ये भी हो सकता है वाल पे ज्यादा कब टकराएगा, या कोई चीज उस पर बार बार टकराएगा तो वेलोसिटी लूज करेगा। ये अगर सीधे सीधे जा रहा, सीधे सीधे जा रहा, तो अगर स्पीड ज्यादा रहे, कहने का मतलब है टर्बुलेंट फ्लो रहेगा तो वाल पे ज्यादा टकराएगा, ज्यादा टकराएगा तो क्या होगा, उसको अपना एनर्जी लूज करेगा, जितना ज्यादा आगे जाना चाहिए था उतना आगे नहीं जा पाएगा। तो इसलिए वेलोसिटी हेड आता है और शियर स्ट्रेस आता है। तो शियर स्ट्रेस के बारे में तो बता दिए कि फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा वो होता है शियर स्ट्रेस। अब वेलोसिटी हेड क्या है कि हम हेड मतलब जब भी बात आता है ना ऊंचाई बात करता है, कि अगर हम चार मीटर पर सेकेंड हम किसी चीज को भेज रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सपोज कर दिए कि 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वेलोसिटी से जा रहा है वाटर, ये सिर्फ 20 सेंटीमीटर तक ही पहुंचता है, ये हो गया का वेलोसिटी हेड। तो ही बोल रहा है कि अगर ये फ्लो ज्यादा होगा और ये फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा या फिर वाल पे ज्यादा टकराएगा तो क्या होगा, 4 मीटर स्पीड इसका कम हो जाएगा,
कम हो जाएगा, जब हम 20 सेंटीमीटर आना चाहिए वहाँ 15 में जाएगा, 16 में जाएगा या 10 में जाएगा, तो इस तरह से होता है। तो आप समझो कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या करता है, वो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन को ज़्यादा मल्टीपल कर देता है, ठीक है। एक फाइनल फ्रिक्शन इक्वेशन है जो हम लोग जनरली कैलकुलेट किया जाता है, फाइनिंग इक्वेशन जिसको बोलते हैं हम लोग, तो ये चीज़ पढ़े हैं कि अगर पाइप फ्लो होता है उसमें फ्रिक्शन लगता है, फ्रिक्शन लगता है तो वेलोसिटी घट जाता है, घटेगा तो प्रेशर ड्रॉप भी होगा। तो वही है जो ये जो डेल पी है ना उसको फाइनिंग इक्वेशन बोलते हैं, 4FL V² ρ × 2D। ये आपका जो है फाइनिंग इक्वेशन होता है कि अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आएगा, प्रेशर ड्रॉप आएगा, ये उसको बोलते हैं फाइनिंग इक्वेशन। ओके, पहले फ्रिक्शन फैक्टर एक और ऐसे निकाला जाता है 16/NRE करके, ठीक है, ये लेमिनार फ्लो के लिए यूज किया जाता है, लेमिनार फ्लो, ठीक है। और एफ इक्वल टू होता है U^0.25 बटा इसको बंद होता है, बस अब लेमिनार के भी रखिए, लेमिनार फ्लो में ये यूज किया जाता है। और हम लोग अब बात करते हैं रफनेस की, रफनेस क्या है। देखिए दो आकृति मैं आपको बता रहा हूँ, एक आकृति ऐसे ये देखिए आकृति ध्यान से, ठीक है, क्या हो रहा है, इसमें हम वेलोसिटी जा रहा है यानी कि फ्लो हो रहा है, ठीक है, वेलोसिटी है इसमें फ्लो हो रहा है। आपको तो लगेगा ये क्या काटा काटा जैसा ऊंचा ऊंचा बना दिया गया, तो ऐसा तो पाइप में होता नहीं है, सही बात, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप जब माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो उसका जो है ना ऐसा ही दिखेगा, कम ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा। तो इसमें जब आप फ्लूड ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है ऐसे जाता है, टकराता है फ्रिक्शन की वजह से रुक जाता है, ज़्यादा रफ है, अगर ये जितना कम होगा तो उतना आसानी से फ्लो होता है, ठीक है। तो ये जो सरफेस ऐसा बना हुआ ना यही है आपका रफनेस, पाइप के सरफेस पे रफनेस बन जाता है। तो ये क्या करता है कि फ्लो को थोड़ा सा कम कर देता है, अगर ज़्यादा स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर कम होगा। आप देखिए ना कि ये सब ऐसा रहेगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फैक्टर तो बढ़ जाएगा। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपने ये देखा ऐसा फ्लो बना हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई पाइप है उसको बहुत ज़्यादा स्मूथ करते हैं, और ज़्यादा स्मूथ करेंगे तो क्या होगा, आपका फ्रिक्शन फैक्टर घटेगा, और स्मूथ करेंगे तो और फ्रिक्शन फैक्टर घटेगा। लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसा स्टेज आ जाता है जहाँ पर ये फ्रिक्शन फैक्टर घटेगा ही नहीं, मतलब फ्रिक्शन फैक्टर करने का मतलब स्मूथनेस घटेगा ही नहीं। तो उस स्मूथनेस को बोलते हैं हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप। तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप में, हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप, इट इज द कंडीशन या फिर सिचुएशन बोलिए, इट इज द कंडीशन इन विच इट इज द कंडीशन इन विच फ्रिक्शन ऑफ पाइप इज reduced by increasing smoothness, increasing smoothness and at a time a stage will be come where a smoothness
डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर आप कोई पाइप है उसका स्मूथनेस आप घटा रहे हैं, एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर स्मूथनेस उससे ज़्यादा हम घटा नहीं सकते, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप, बस और कुछ नहीं। चलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अब हम रफनेस के बारे में, जैसे कि हम ये फिगर बनाया था आपके पास, तो जो रफनेस है ना उसको हम लोग रफनेस पैरामीटर में मेजर करते हैं, इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ रफनेस पैरामीटर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग के से डिनोट करते हैं रफनेस पैरामीटर को, और के बराबर होता है आपका एल वाई डी। ठीक है, के बराबर होता है एल वाई डी। ओके, तो ये के वाई नहीं होगा आपका, ये जो रफनेस है ना वो इस रिलेटिव रफनेस के रूप में हम लोग यूज करते हैं, रिलेटिव रफनेस, उसको इसे डिनोट किया, इसको बोला जाता है के वाई डी। के जो है ये लेंथ है आपका, ये जो देख रहे हैं आप लेंथ, ये है के, और इसका जो डायमीटर है वो आपका डी हो जाता है। ठीक है, आई होप इसमें समझ में आ गया होगा कि रफनेस पैरामीटर क्या है। रफनेस पैरामीटर का ये लेंथ को बोलते हैं, और इसे रिलेटिव रफनेस होता है के बाय डी। साथ इसमें हम देखेंगे, इसमें दो तीन टर्म आता है कि कभी कभी क्या होता है कि फ्रिक्शन फैक्टर, जैसे लेमिनार फ्लो में रहेगा, लेमिनार फ्लो, तो इसमें जो है लेमिनार फ्लो में जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ रिलेटिव रफनेस, रिलेटिव रफनेस। ठीक है, अब आता है फिर ये जनरली 2100 तक वैलिड है। ठीक है, एक है 10,000 तक के रेंज, अगर 10,000 तक रेंज रहेगा तो ये जो फ्रिक्शन फैक्टर है, फ्रिक्शन फैक्टर इज इंक्रीजिंग विथ एन आर ई एंड रफनेस। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर रेनॉल्ड्स नंबर 10,000 तक रहेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ने के साथ ही बढ़ेगा और रफनेस के साथ भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मोर देन 10,000 रहेगा, मोर देन 10,000 इन आर ई, अगर रेनॉल्ड्स नंबर रहेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर ओनली डिपेंडेंट ऑन रफनेस। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ रफनेस पे डिपेंड करेगा। आई होप आपका इफेक्ट ऑफ रफनेस और फाइनल फ्रिक्शन फैक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और हाइड्रोलिकली स्मूथ पाइप इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो को तो एक थम्स जरूर दीजिएगा, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और व्यूअर लोग से काफ़ी आग्रह है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमको भी। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।